सहभागी दास समाज सेवा का कार्य कर रही है। जिला ऊना में भी जल्द आधिकारिक तौर पर टीम का गठन किया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को टीम सहभागिता का चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पुलिस थाना कुल्लू में टीम सहभागिता कुल्लू की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बिजू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बिजू। अभी चौथे स्थापना दिवस को मनाने के लिए एक समीक्षा बैठक आज यहाँ पर कर रही थी। टीम सहभागिता का गठन 28 फरवरी 2018 को हुआ था और आने वाली जो 2022 की 28 फरवरी है, इसी माह में हमारा टीम का चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आज की जो ये समीक्षा बैठक थी, ये उसी मुद्दे को लेकर थी। दूसरा, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है, इस पर भी बहुत सी ऐसे विचार करने की आवश्यकता थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पर सभी जनरल मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया गया। और इस दिन को मनाने के पीछे हमारा यही मकसद है कि हम जितना हो सके उतना जो है ड्रग्स के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। और इस बार भी जो ये कार्यक्रम होगा, इसका भी हमारा थीम यही रहेगा कि हम लोग जो है यूनाइटेड अगेंस्ट ड्रग्स, इस थीम पर इस इवेंट को करेंगे। और जितना हमारा आज का जो युवा है, जो हमारे आज की युवा शक्ति है, उसको किस तरह से हम जो है सद्मार्ग की तरफ बढ़ाएं, उसके लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इससे पहले अगर बात करें, क्योंकि अभी तो चौथे साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इससे पहले टीम सहभागिता ने चार मुख्य बिंदुओं पर काम किया, जिसमें एक तो वुमेन एम्पावरमेंट था, महिला सशक्तिकरण के विषय पर, दूसरा एंटी ड्रग्स एक्टिविटीज़, तीसरा रोड सेफ्टी, जिसमें मिशन जीरो का नाम पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया था, और चौथा, क्योंकि COVID-19 ने जो है पिछले 2 सालों से हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उस इन 3-4 टॉपिक्स पे जो है हमने पिछले वर्षों काम किया। और आगामी हमारी रणनीति है कि हम कुछ और मुद्दों पर काम करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम क्लाइमेट चेंज पर जो है अपना काम करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए हम काम करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे जो भी प्रशासन जब जब हमें जो जिम्मेवारियाँ देगा, उन सभी टॉपिक्स पर लेकर हम काम करने के लिए तैयारी करें।